जीरो पॉइंट ब्रिज के पास स्थित पाटीदार हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर संचालित आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड में भीषण आग लग गई। आग की लपटे और धुआं इतना भयावह था कि अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों में अफरा तफरी फैल गई। लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। इस दौरान चार मरीज आग की चपेट में आ गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के 8 दमकलों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर संचालित आईसीयू वार्ड का पंखा रात से खराब हो गया था, जिसे सुधारने के लिए सुबह इलेक्ट्रिशियन आया था। इसके थोड़ी देर बाद ही पंखे से आग की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते आग ने पहले तल को लपेटे में ले लिया। दुर्घटना के वक्त पहली मंजिल पर 24 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 4 मरीज झुलस गए। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग लगते ही अस्पताल स्टाफ ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही मरीजों को जान पर खेलकर बाहर निकाल लिया था, जिसके चलते किसी की जान नहीं गई। मरीजों को आग से बचाने के लिए अस्पताल के स्टाफ नर्सों ने भी जान की परवाह नहीं की। दुर्घटना के वक्त अस्पताल में भर्ती सभी 80 मरीजों को गुरु नानक सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती कर दिया गया है। आग की सूचना लगते ही कलेक्टर आशीष सिंह, CMHO डॉक्टर महावीर खंडेलवाल, SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल मौके पर पहुंच गए और घटना का जायजा लिया। उज्जैन के पाटीदार अस्पताल में आज एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आग आईसीयू पहली मंजिल स्थित आईसीयू के शॉर्ट सर्किट लगने के कारण हुई है। फिलहाल जो भी वहां पर मरीज एडमिट थे, उन लोगों को आडी और गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। उज्जैन कलेक्टर के अनुसार पहली मंजिल स्थित आईसीयू में लगभग 11 और दूसरे आईसीयू में लगभग 13 मरीज जो है कि वहां पर इलाजरत थे। आपको बता दें कि पाटीदार अस्पताल में यहां कोरोना मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है, कि जिन्हें भी अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल दमकल की लगभग 8 गाड़ियों सहित और अनेक एम्बुलेंस की सहायता से यहाँ पर जो है आग को काबू पाया गया है। अबे न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। देखिए, आज पाटीदार अस्पताल में ICU के जो बगल वाली जगह थी, वहाँ से संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। और जैसे ही आग लगने की सूचना प्राप्त हुई तो सभी विभागों ने त्वरित कार्रवाई करी। इस मामले में मैं प्रशंसा भी करूंगा कि जो नगर निगम की फायर की टीम थी, पुलिस का जो पूरा अमला था, IMA के जो लोग थे जिन्होंने तत्काल एम्बुलेंस भेजी, सभी लोगों ने तत्काल सारी टीमें रवाना करके सारे पेशेंट्स को शिफ्ट कराया और आग पे तत्काल काबू पा लिया गया है। और यहाँ पे लगभग अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है, लगभग 80 के आसपास पेशेंट्स एडमिट थे, जिसमें से 11 पेशेंट्स उस ICU में भी थे जहाँ पर आग लगी थी। सभी को विधिवत तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है और ज़्यादातर पेशेंट्स को आडी में भेजा है। कुछ जो सीरियस बर्न, 4 ऐसे लोगों की सूचना मिली है जिनको थोड़ा जलने की जो है वो सूचना प्राप्त हुई है, उनको गुरु नानक अस्पताल में शिफ्ट करा के उनका इलाज तत्काल चालू हो गया है। सभी एम्बुलेंसेस तत्काल पहुंच गई थी, सभी ने इसमें बहुत मदद करी और यही कारण था कि लगभग आधे घंटे के अंदर ही सभी पेशेंट को हमने शिफ्ट करा दिया है। अब आग का क्या कारण था और दूसरी जगहों पर ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए क्या एहतियातन कदम उठाए जा सकते हैं, इनका भी हमारे द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। अभी फिलहाल हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जितने भी पेशेंट्स शिफ्ट हुए हैं उनका भलीभांति उपचार तत्काल चालू हो जाए, उनकी सबकी डेटाबेस बनाना, उनकी क्या क्या स्थिति है, कब कब वो एडमिट हुए थे, क्या क्या उनको बीमारियां थी, इस संबंध में भी हमारे द्वारा कदम उठाए जाएंगे। उसके बाद में हॉस्पिटल का जो इसको रिपेयर करके कैसे तत्काल चालू कराया जा सकता है, इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। और अगर कहीं इस प्रकार से कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारी SOP भी तैयार रहे, इस पर काम किया जाए। देखिए, अभी जो सूचना मिली है कि जो 2 ICU के वार्ड थे, जिसमें एक में 11 पेशेंट थे और एक में 13 पेशेंट थे, उसमें से कोरोना और कोरोना लाइक सिम्टम्स के शायद 20 से 25 के आसपास पेशेंट थे। अभी तत्काल रूप से सभी पेशेंट्स को शिफ्ट करा दिया गया है। अभी हमारे द्वारा जो फाइनल आंकड़ा है वो दिया जाएगा कि कितने पेशेंट कोरोना के थे, कितने दूसरी बीमारियों के थे और कहाँ कहाँ पे कितने लोग गए हुए। फायर ब्रिगेड में सूचना मिली कि पाटीदार अस्पताल में आग लग गई है। तुरंत हमारे फायर फाइटर वहाँ से आए और उन्हें आग पर काबू पाया। यहाँ पे प्रथम मंजिल पे कोविड का आइसोलेशन वार्ड था, उसमें आग थी। 8 गाड़ी लग गई है, उसमें कम से कम 10 से 12 लोग थे। सबको सुरक्षित निकाल लिया गया, थोड़े बहुत हानि हुई है। नहीं है, इतना नहीं जला है, 90 छोटे नाजुक। हाँ हाँ, थे पर उनको सुरक्षित निकाल लिया गया था। आपका पूरी तरीके से काबू पा लिया है।